Now we will do sums number 8 from exercise 6.3. Now let's start. देखो क्या बोला है, किसी विद्यालय के 80% विद्यार्थियों में पिकनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। मैंने क्या, जो भी स्टूडेंट्स थे, कुल छात्र थे, उसमें से 80% छात्र पिकनिक का जो प्रोग्राम हुआ उसमें भाग नहीं लिए, नहीं गए। पिकनिक पर जाने वाले छात्र 240 ही थे, मतलब टोटल पिकनिक पर जाने वाले छात्रों की संख्या कितना था, 240। विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं, मतलब विद्यालय में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, वो संख्या हम लोग को निकालना है। हम लोग करेंगे क्या, लेट या माना, माना विद्यालय में कुल छात्र हैं कितना, एक्स। ओके, अच्छा, पिकनिक पर नहीं, हिस्सा नहीं लिए, या हाँ, पिकनिक में हिस्सा नहीं लिए छात्रों की, छात्र इक्वल टू कितना, 80% या प्रतिशत। अच्छा, फिर बोला गया है पिकनिक पर जाने वाले छात्र, पिकनिक पर जाने वाले छात्र की संख्या कितना है, 240 या 240। पिकनिक पर जाने वाले छात्रों की संख्या कितना है, 240। देखो हम लोग नॉर्मली जानते हैं क्या, जब भी कुल दिया रहता है संख्या कोई भी चीज का हो, और उसमें से अगर बोला रहता है कि कोई चीज नहीं दिया हुआ है या नहीं कर रहा है कोई आदमी, और जो कर रहा है वो आदमी, वो निकाला जाए, तो क्या होता है, एक दूसरे को सब्ट्रैक्शन करते हैं या माइनस करते हैं। अब वो हम कैसे करेंगे, वो हम करके दिखा रहे हैं। देखो ये भी सेम एटीपी में होगा, क्या है, देखो कुल तो छात्र था क्या, एक्स माइनस, क्यों माइनस कर रहे हैं आगे पता चलेगा। देखो अब 80% किसका, 80% एक्स का, 80% मतलब जितने भी छात्र थे उसका 80%, तो एक्स का 80% इक्वल टू कितना, 240। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक्स माइनस का मैंने मल्टीप्लाई 80 बाई 100, 100 क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ है, 240। अब क्या 40 यहाँ पर देखो ये जीरो कट गया, अगर 2 से अगर ये करते हैं 2 4 8, 2 5 10, हम लोग कितना आया, एक्स माइनस 4x/5, 4x 4x को मल्टीप्लाई किए तो 4x आया, इक्वल टू 240। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम इधर कर ले रहे हैं, देखो और देखो अब क्या, ये x के नीचे देखो कोई संख्या नहीं है, हम लोग जानते हैं अगर कोई भी नंबर के नीचे अगर कुछ अलग से फ्रैक्शन वाला संख्या में अगर नीचे संख्या नहीं दिया रहता है, अंश दिया रहता है, हर नहीं दिया रहता, क्या हर के जगह पर क्या 1 मान लेते हैं, तो अब क्या 1 अगर मान लिया तो 1 और 5 का एलसीएम कितना, 5, ये हम लोग 5 दिखाए। अब क्या हम लोग नीचे तो 1 था ही, तो 1 से अगर x को सॉरी 5 को अगर डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, अब 5 से क्या करेंगे, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे मैंने गुना करेंगे, तो क्या हो गया 5x। देखो माइनस, अब यहाँ 5 था, यहाँ 5 है एलसीएम, 5 से 5 को डिवाइड किया 1, 1 से 4x को मल्टीप्लाई किया क्या, 4x इक्वल टू 240। और अब क्या 4x में सॉरी 5x में से 4x माइनस की कितना आया, x या 1x। 1 देखो हम लोग जब अलजेब्रा वाले सम्स में हम लोग लिखते हैं तो क्या 1 हम लोग नहीं लिखते, नहीं लिखा जाता है, बड़ा ही ऑड लगता है, इसलिए सिर्फ 5x में से अगर 4x को माइनस किए क्या हुआ, x आया, x by 5 is equal to 240। और अब देखो सेम पहले वाले सम्स में 7 नंबर में बताए थे कि इधर अगर जो संख्या रहता है उसके नीचे अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो क्या होता है, 1 मानते हैं, 1 से अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जा x, अब क्या करेंगे 5 से 240 को मल्टीप्लाई करेंगे,
क्या होगा, देखो हम लोग 25 4 जा हम लोग जानते हैं, सॉरी 24 5 जा 120 होता है, 24 5 जा 120 और एक जीरो बिठा दिए, तो टोटल हम लोग का विद्यालय में छात्रों की संख्या कुल कितना हुआ 1200। ओके ठीक से थोड़ा नोट कर लो बच्चों। और एक चीज बोलेंगे तुम लोग, जो हम देखो यहाँ पर नीचे जगह नहीं था बोलकर हम ये इस साइड किए, तुम लोग और प्लीज नीचे कंटिन्यू करना, कॉपी में जब भी सम्स को नोट करोगे नीचे से नीचे कंटिन्यू नीचे तक करोगे। ओके ठीक से नोट कर लो।